Good morning, students. Today we are going to continue our chemistry chapter 2. And आज हम लोग सेपरेशन द कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर को कंटिन्यू करेंगे. तो इसमें हम लोगों ने क्रिस्टलाइजेशन तक पढ़ चुका था कि जो मेथड्स हैं क्रिस्टलाइजेशन में क्या होता है. अब हम लोग पढ़ते हैं सब्लिमेशन. सब्लिमेशन क्या होता है? सब्लिमेशन इज द प्रोसेस इन विच अ सॉलिड डायरेक्टली चेंज इन इट्स गैसेस स्टेट विदाउट पासिंग थ्रू द लिक्विड स्टेट. सब्लिमेशन क्या होता है? सब्लिमेशन वो प्रोसेस होता है जिसमें सॉलिड क्या होता है डायरेक्टली गैसेस स्टेट में पास हो जाता है बिना लिक्विड में चेंज हुए. द फॉलोइंग मिक्सचर्स कैन बी सेपरेटेड बाय सब्लिमेशन प्रोसेस. अब क्या है, हम सब्लिमेशन प्रोसेस से जो भी मिक्सचर्स होते हैं उनको कैसे सेपरेट कर सकते हैं. द मिक्सचर ऑफ अमोनियम क्लोराइड एंड सोडियम क्लोराइड, जो अगर हमारा मिक्सचर है अमोनियम क्लोराइड का सोडियम क्लोराइड का, इसको कैसे करेंगे? जो अमोनियम क्लोराइड होगा वो सब्लिमेशन के प्रोसेस से जाएगा और जो सोडियम क्लोराइड है वो सब्लिमेशन के प्रोसेस से नहीं जाएगा. नेक्स्ट है आपका मिक्सचर ऑफ कैम्फर और नेफ्थलीन और सल्फर, जिसमें अगर हमारा मिक्सचर है किसका, कैम्फर का, नेफ्थलीन का या फिर सल्फर का, वो क्या होता है, वो सब्लिमेशन के सब्लिमेशन से पास होते हैं एंड सॉलिड विच डज नॉट अंडरगो सब्लिमेशन. और ऐसा भी कोई सॉलिड नहीं है जो सब्लिमेशन के अंदर से ना जाए. तो ये था आपका सब्लिमेशन. नेक्स्ट आता है आपका क्रोमैटोग्राफी. क्रोमैटोग्राफी क्या होती है? इन ग्रीक द वर्ड क्रोमा मीन्स कलर. ग्रीक में जो हमारे ग्रीक लैंग्वेज है उसमें वर्ड क्रोमा का मीन्स होता है कलर. तो द वर्ड क्रोमैटोग्राफी मीन्स राइटिंग इन कलर. तो जो हमारा वर्ड है क्रोमैटोग्राफी, इसका मीनिंग है राइटिंग इन कलर. द टेक्निक्स वॉज डिस्कवर्ड बाय अ रशियन साइंटिस्ट माइकल ट्विस्ट. जो ये जो टेक्निक है इसको रशियन साइंटिस्ट ने डिस्कवर करी थी जिसका नाम है माइकल ट्विस्ट. क्रोमैटोग्राफी इन्वॉल्व्स द सैंपल बिगेन डेवलप इन अ पर्टिकुलर सॉल्वेंट कॉल्ड इट मोबाइल फेज. ये जो क्रोमैटोग्राफी है इसमें क्या हुआ था, एक सैंपल डेवलप किया गया था और उस सैंपल पर्टिकुलर सॉल्वेंट बोला गया था मोबाइल फेज की तरह. द मोबाइल फेज मूव्स थ्रू अनदर फेज कॉल्ड स्टेशनरी फेज. तो जो मोबाइल फेज था वो एक फेज से और मूव किया था जिसको हमने बोलते हैं स्टेशनरी फेज. इट मे बी सम अब्सॉर्बेंट्स लाइक सिलिका पैक्ड इन अ ग्लास ट्यूब. तो हम ये बोल सकते हैं इसके इसमें जो अब्सॉर्बेंट्स थे वो कैसे थे, सिलिका पैक्ड थे ग्लास ट्यूब में. कॉलम क्रोमैटोग्राफी और अ पीस ऑफ अ पेपर. Paper chromatography is one of the simplest type of chromatography involves employed in a laboratory. ये क्या है, जो paper chromatography एक simple type की chromatography है जो कहाँ होती है, laboratories में use होती है. Paper chromatography uses paper as a stationary phase. जो paper chromatography होती है उसमें papers का use किया जाता है उसके सैनिटरी फेज में एंड सुटेबल लिक्विड सॉल्वेंट एज अ मोबाइल फेज. और सुटेबल लिक्विड सॉल्वेंट यूज किया जाता है उसके मोबाइल फेज में. पेपर क्रोमैटोग्राफी इज बेस्ड अपॉन द प्रिंसिपल्स ऑफ कंटिन्यूअस डिफरेंशियल डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ द कंपोनेंट ऑफ अ मिक्सचर बिटवीन सैनिटरी फेजेस एंड मोबाइल फेज. जो पेपर क्रोमैटोग्राफी है ये क्या है, ये सिंपल प्रिंसिपल कंटिन्यूस प्रिंसिपल बेस्ड है. किसके बेसिस पे? मिक्सचर के बेसिस पे. किसके? सैनिटरी फेज और मोबाइल फेज के. अ कंपोनेंट ऑफ अ मिक्सचर दैट डिसॉल्व रैपिडली ट्रैवल्स फास्टर अप द सैनिटरी फेज. जो कंपोनेंट्स पहले से ही डिसॉल्व हो चुके हैं
वो क्या होता है, सेलेक्टिव फेज में काफी ज्यादा फास्टर मूव करते हैं. इफ द कंपोनेंट ऑफ अ मिक्सचर आर कलर्ड, अगर हमारे जो पेपर का कंपोनेंट है वो कलर है, दे फॉर्म कलर्ड स्पॉट्स एट वेरियस हाइट्स. तो क्या करेंगे, वो अलग अलग हाइट पे क्या करेंगे, कई सारे कलर्स का फॉर्मेशन करेंगे. As a solvent slowly rises up the paper strip by capillary action, अगर हमारा solvent क्या होता है, slowly rise करता है paper strip पे, it takes up along with the dyes present in a blanket. और उसके साथ साथ उसमें blankets में जो भी dyes present होती हैं उनको use करता है. The different component dyes of blank ink begin to separate from one another as they travel at different rates up the paper strip. तो ये जो different components होते हैं ये क्या होते हैं, ये अलग अलग separate हो जाते हैं एक दूसरे से different different rates पे, इसके पेपर स्ट्रिप पे. डिपेंडिंग ऑन देयर सॉल्युबिलिटी इन द सॉल्वेंट एंड देयर एबिलिटी टू अडहेर टू द पेपर, और किस पे डिपेंड करता है, उनकी सॉल्युबिलिटी पे डिपेंड करता है कि वो उनका जो सॉल्वेंट में जो सॉल्युबिलिटी है वो कैसी है और उन पेपर पे उनकी क्या एबिलिटी हो सकती है. सब्सटेंस दैट डिसॉल्व रेडली इन द सॉल्वेंट ट्रैवल्स फास्टर अप द स्टेशनरी फेज. जो भी सब्सटेंस क्या होते हैं, डिसॉल्व होते हैं, सॉल्वेंट डिसॉल्व होते हैं, ये क्या होते हैं, फास्ट ट्रैवल करते हैं स्टेशनरी फेस पेपर पे. इफ द कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर आर कलरलेस, अगर जो मिक्सचर है, जो कंपोनेंट्स के मिक्सचर है वो अगर कलरलेस हैं, देन दीज स्पॉट्स कैन बी डिटेक्टेड बाय स्प्रेइंग द पेपर विद अ सूटेबल डिटर्जेंट. तो ये जो कंपोनेंट्स हैं ये क्या होते हैं, मिक्सचर होते हैं, जैसे जो मिक्सचर कंपोनेंट्स का मिक्सचर होता है ये कलरलेस होता है और इसमें क्या होते हैं, पेपर पे अलग अलग लेयर पे स्पॉट्स आ जाते हैं. क्रोमैटोग्राफी इज एन इम्पॉर्टेंट प्रोसेस फॉर सेपरेटिंग द सब्सटेंस विच आर प्रेजेंट इन सॉल्यूशन इन वेरी स्मॉल क्वांटिटी. जो क्रोमेटोग्राफी है ये क्या है, एक इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है किसका, सेपरेट करने का, जो प्रेजेंट सॉल्यूशन है उसको स्मॉल स्मॉल क्वांटिटीज में सेपरेट करने का. अब क्रोमेटोग्राफी हमारी कहाँ कहाँ पे यूज होती है, टू सेपरेट अमोनियम एसिड अमीनो एसिड फ्रॉम अ मिक्सचर, अमीनो एसिड को मिक्सचर से सेपरेट करने के लिए, to separate pigments from natural sources, जो हमारे natural sources हैं उनसे उनके जो pigments होते हैं उनको separate करने के लिए, to separate drugs from blood, हमारे जो blood में जो drugs present होते हैं उनको अलग करने के लिए, in forensic labs to detect trace amount of substance, और forensic labs में use किया जाता है जो भी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस प्रेजेंट है कि नहीं है. अब नेक्स्ट आता है हमारा डिस्टिलाइजेशन. अब डिस्टिलाइजेशन क्या है, द प्रोसेस ऑफ हीटिंग एवापोरेटिंग एज अ लिक्विड एंड देन कंडेंसिंग इट्स वेपर बैक टू लिक्विड इज कॉल्ड डिस्टिलाइजेशन. वो प्रोसेस सबसे पहले हम क्या करते हैं, हीट करते हैं, फिर वो इवेपोरेट होता है, इवेपोरेट से वो वेपर बनता है और उस वेपर को हम वापस कंडेंस कर लेते हैं, मतलब कि वेपर को कंडेंस कर लेते हैं और वापस लिक्विड स्टेट में ले आते हैं. इस प्रोसेस को हम बोलते हैं डिस्टिलाइजेशन. इट इज द मोस्ट कॉमनली यूज मेथड फॉर प्योरिफाइंग लिक्विड एंड सेपरेटिंग मिक्सचर्स ऑफ लिक्विड. ये क्या है, ये एक मोस्ट कॉमनली यूज मेथड है लिक्विड्स को प्योरीफाई करने का और सेपरेट करने का मिक्सचर से. तो ये जो हमारा डिस्टिलाइजेशन होता है ये टू टाइप्स का होता है, वन होता है हमारा सिंपल डिस्टिलाइजेशन और सेकेंड होता है हमारा फ्रैक्शनल डिस्टिलाइजेशन. तो ये जो डिस्टिलाइजेशन है ये हमारा टू टाइप्स का होता है, एक होता है हमारा सिंपल एंड सेकेंड होता है हमारा फ्रैक्शनल. अब सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कि सिंपल डिस्टिलाइजेशन क्या होता है.
It is generally used for separating a liquid from a solution containing non-volatile solute and to separate a mixture of two miscible liquids whose boiling point differ by more than 25 degree Celsius. ये क्या है? ये generally separating liquid solution है जिसमें क्या होता है, ये non-volatile है, non-volatile solute है और ये separate करता है mixtures को two miscible liquids में जिनका boiling point क्या होता है, अलग होता है, means 20.5 degree Celsius से ज्यादा होता है. Liquid water condenser is a long glass tube considered by a wider glass tube having an intake and outlet for circulating water. जो liquid water condenser है ये क्या करता है, ये एक long glass tube की तरह होता है और wider glass tube होता है जिसमें क्या होता है, एक inlet और outlet present होता है. During distillation, water is circulated through water jacket. जब distillation का process हो रहा होता है, जो water होता है, वो क्या होता है? Water jacket के through circulate करता है. The circulating cold water takes away heat from the hot vapor. और जो circulating cold water होता है, वो क्या होता है? Hot vapor से दूर होता है of the liquid and decreases its condensation. किसके लिक्विड के और उसके जो फॉसेस हैं वो किसके हो जाते हैं, कंडेंसेशन के हो जाते हैं. व्हाट इज अलाउड टू एंटर फ्रॉम द लोअर साइड एंड इज मेड टू मूव अपवर्ड टू द जैकेट. जो वाटर होता है वो लोअर एंड से एंटर करता है और किधर मूव करता है, अपवर्ड्स मूव करता है. कॉज मोर efficient cooling of a hot vapor and is remain in constant with circulating water for a longer period of time. So, वो क्या करता है, उसमें ही मूव करता रहता है और काफी लंबे टाइम तक वो हॉट बना रहता है. अब सेपरेशन ऑफ टू मिसेबल लिक्विड्स बाय सिंपल डिस्टिलाइजेशन. अब हम टू मिसेबल लिक्विड्स को सिंपल डिस्टिलाइजेशन के थ्रू कैसे सेपरेट कर सकते हैं. The constituents of two miscible liquids can be separated by simple distillation when the constituents of a mixture differ in boiling point by more than 25 degrees Celsius. तो इनके जो मिक्सचर के कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं उनको हम तभी सेपरेट कर सकते हैं सिंपल डिस्टिलेशन मेथड से जब उनका क्या होता है, जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो 25 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा होता है और अलग होता है. तो ये था आपका सिंपल डिस्टिलाइजेशन मेथड. अब हम लोग पढ़ेंगे फ्रैक्शनल डिस्टिलाइजेशन मेथड. फ्रैक्शनल डिस्टिलाइजेशन मेथड क्या होता है, टू सेपरेट मिक्सचर ऑफ टू मोर मिसेबल लिक्विड्स फॉर विच द डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट इज लेस देन 25 डिग्री सेल्सियस द प्रोसेस कॉल्ड फ्रैक्शनल डिस्टिलाइजेशन. वो प्रोसेस जिसमें हम क्या करते हैं, जो हमारे टू मिसेबल लिक्विड्स है उनका जो टेम्परेचर होता है, बॉइलिंग टेम्परेचर होता है वो 25 डिग्री सेल्सियस से कम होता है. तो ये जो प्रोसेस होता है इसको हम बोलते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलाइजेशन. सिंपल में क्या हो जाएगा, 25 डिग्री से ज्यादा होगा और फ्रैक्शन में क्या हो जाएगा, 25 डिग्री सेल्सियस से कम हो जाएगा. So, ये था आपका सिंपल डिस्टिलाइजेशन एंड फ्रैक्शनल डिस्टिलाइजेशन. अब नेक्स्ट आता है हमारा एप्लीकेशंस ऑफ फ्रैक्शनल डिस्टिलाइजेशन. अब हम फ्रैक्शनल डिस्टिलाइजेशन को कहाँ कहाँ पे यूज कर सकते हैं. Petroleum on fraction distillation gives important fractions such as petrol, kerosene, diesel, etc. जो हमारा petroleum होता है उसको fractional distillation के थ्रू क्या किया जाता है, अलग किया जाता है, separate किया जाता है, जिससे हमें क्या क्या मिलता है, petrol मिलता है, kerosene मिलता है, diesel मिलता है और जो बाकी के oil and greases है वो हमको मिलते हैं. Fractional distillation of liquid air is used to get different components of the air. जो fractional distillation liquid होता है वो क्या होता है,
different components of air के बने हुए होते हैं. सिद्धि सिद्धि एक मिनट मैम. नेक्स्ट आते हैं हमारा सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ एयर. अब हम जो हमारा कंपोनेंट्स ऑफ एयर है उसको हम किस तरीके से सेपरेट करते हैं. तो एयर इज अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ मैनी गैसेस. जैसे कि आपको पता है कि एयर क्या है, एक होमोजीनियस मिक्सचर है सभी गैसेस का. नाइट्रोजन ऑक्सीजन आर द मेन कंपोनेंट्स ऑफ एयर. और जो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है ये क्या है, इसका मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स है. Beside these, air also contains inert gases. और इसके साथ साथ ये जो air है इसमें inert gases भी present हैं. जैसे कि हो गया आपका argon और small percentage of carbon dioxide and water vapor. In order to separate different gases, air free from dust particles is first passed through caustic soda solution. जब हमें क्या करना होता है, इन गैसेस को फ्री करना होता है, एयर फ्री करना होता है, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले इन्हें कास्टिक सोडा सॉल्यूशन से पास करते हैं, जो क्या करता है, विच ऑब्जर्व्स कार्बन डाइऑक्साइड एंड देन थ्रू कंसेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड टू रिमूव वाटर वेपर. जो क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को अब्सॉर्ब करता है और जो कंसेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड है वो क्या करता है, वाटर वेपर को रिमूव कर देता है. एयर इज नाउ कंप्रेस्ड बाय इंक्रीजिंग प्रेशर एंड देन कूल बाय डिक्रीजिंग टेम्परेचर टू गेट लिक्विड एयर. उसके बाद में क्या किया जाता है, जो एयर होता है उसको कंप्रेस किया जाता है, मीन्स उसका जो प्रेशर होता है उसको इंक्रीज किया जाता है. और वो क्या होता है, जैसे जैसे टेम्परेचर कम होता जाएगा वो हमारा कूल होता जाएगा और हमें क्या मिल जाएगा, लिक्विड एयर मिल जाएगा. दिस लिक्विड एयर इज देन अलाउड टू वार्म अप स्लोली इन अ टॉल फ्रैक्शन डिस्टिलाइजेशन. और उसके बाद में क्या होता है, ये जो लिक्विड एयर होता है इसको हम अलाउड करते हैं ताकि क्या हो, वार्म अप हो सके और स्लोली स्लोली टॉल फ्रैक्शनलाइजेशन फ्रैक्शनल डिस्टिलाइजेशन कॉलम में जा सके, जहाँ पे क्या होती है, डिफरेंट गैसेस गेट सेपरेटेड, जहाँ पे जो हमारी गैसेस हैं, अलग अलग गैसेस हैं वो सेपरेट हो सके अलग अलग हाइट्स पे और अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट्स पे. दिस इज शोन इन द फॉलोइंग फ्लो डायग्राम. तो ये आपको क्या करा गया है, ये आपको इस फ्लो डायग्राम में शो किया गया है. जैसे कि आप देख सकते हैं ये क्या है, आपकी एयर है, ठीक है. सबसे पहले इसको क्या करा गया, कंप्रेस किया गया और उसके बाद में कूल करा गया, ठंडा करा गया. उसके बाद में क्या हुआ, हमें मिला लिक्विड एयर. तो एयर को हमने सबसे पहले क्या किया, कंप्रेस किया और कूल किया. जब हमने इसको कंप्रेस और कूल किया तो हमको क्या मिला, हमको लिक्विड एयर मिली. जब लिक्विड एयर, जो हमें लिक्विड एयर मिली तो इसको हमने क्या किया, अलाउड टू वार्म अप slowly in the fractional distillation column. तो हमने क्या किया, इसको
अलाउ किया ताकि क्या हो सके, वार्म अप हो सके, धीरे धीरे वार्म अप हो सके फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कॉलम में। और उसके बाद में क्या हुआ, गैसेस गेट सेपरेटेड एट डिफरेंट हाइट। और जैसे जैसे क्या हुआ, ये हमारा फ्रैक्शनल डिस्टिलाइजेशन कॉलम में गया तो जो हमारी गैसेस थी वो अलग अलग हाइट पे सेपरेट होनी स्टार्ट हो गई। तो सबसे पहले हमारी क्या हुई, सबसे पहले हमारी सेपरेट हुई नाइट्रोजन। तो जो नाइट्रोजन का बॉइलिंग पॉइंट था वो कितना था, -196 डिग्री सेल्सियस, मींस -190 डिग्री सेल्सियस बॉइलिंग पॉइंट पे हमको क्या मिला, नाइट्रोजन मिला। फिर हमको मिला आर्गन, इसका बॉइलिंग पॉइंट था -186 डिग्री सेल्सियस। और फिर मिला हमको ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का बॉइलिंग पॉइंट क्या था, -183 डिग्री सेल्सियस। द गैसेस आर इंडिविजुअली कलेक्टेड इन स्ट्रॉन्ग स्टील सिलेंडर्स एंड मास। तो ये जो गैसेस होते हैं इनको क्या किया जाता है, अलग अलग सिलेंडर्स में स्टोर किया जाता है और मार्क करा जाता है कि हमने कौन से सिलेंडर में कौन सी गैस को स्टोर करा है। अब नेक्स्ट आते हैं हमारा वाटर प्योरिफिकेशन सिस्टम फॉर सिटी वाटर सप्लाई। अब जब हमारे सिटीज में जो भी वाटर सप्लाईज होती हैं तो उनमें किस टाइप का वाटर प्रोसेसिंग सिस्टम, मीन्स वाटर को किस तरीके से प्योरीफाई करके भेजा जाता है। रिवर्स एंड लेक्स आर द सोर्स ऑफ वाटर सप्लाई ऑफ दो सिटीज एंड टाउन्स विच आर सिचुएटेड नियर बाय। तो जैसे कि आपको पता है कि हमारे सिटीज क्या, मतलब कि सिटीज के पास जो भी रिवर्स या लेक्स प्रेजेंट होते हैं यही क्या करते हैं, वाटर सप्लाई का मेन सोर्स होते हैं। द रिवर वाटर और लेक वाटर यूजली हैव द इम्प्योरिटीज ऑफ सस्पेंडेड पार्टिकल्स पॉलिटिकली डिसअपीयर सब्सटेंस एंड जर्म्स। और जैसे कि आपको पता है जो भी रिवर वाटर है लेक वाटर है इनमें क्या होता है, इनमें कई सारे इम्प्योरिटीज प्रेजेंट होती हैं, डिजॉल्व इम्प्योरिटीज प्रेजेंट होती हैं और जर्म्स होते हैं। Therefore, these impurities must be removed from water it supplied to home. So, जब भी हम इन इस वाटर को क्या करते हैं घरों में सप्लाई करते हैं तो उससे पहले क्या किया जाता है, इस वाटर को प्योरीफाई किया जाता है, क्लीन किया जाता है। प्योरिफिकेशन ऑफ वाटर इज कैरीड आउट इन द फॉलोइंग मैनर। अब जो वाटर प्योरिफिकेशन है उसका जो मैथड है उसमें कैसे यूज किया जाता है वो हम पढ़ेंगे। वाटर प्योरिफिकेशन सिस्टम, तो वाटर प्योरिफिकेशन सिस्टम का हमारा फर्स्ट मेथड है सेडिमेंटेशन। फर्स्ट मेथड है आपका सेडिमेंटेशन। अब सेडिमेंटेशन क्या है इसको हम देखेंगे। द वाटर फ्रॉम रिवर्स और लेक इज पंप बाय द पंपिंग स्टेशन इन अ लार्ज रिजर्वरी स्टैंड फॉर इट सेडिमेंटेशन टैंक। जो भी वाटर्स हैं जैसे कि जो भी हम रिवर्स और लेक्स में से वाटर लेते हैं उनको सबसे पहले क्या किया जाता है, जो पंपिंग स्टेशन होते हैं जो लार्ज रिजर्वरी स्टैंड होते हैं वहां पे भेजा जाता है सेडिमेंट टैंक में।
जहां पे वो स्टोर होता है. The water is allowed to stand in the sedimentation tank for some time. और उसके बाद में क्या किया जाता है, उस वाटर को हम सेडिमेंट टैंक में कुछ टाइम के लिए छोड़ देते हैं. सस्पेंडेड इम्प्योरिटी सेटल डाउन टू द बॉटम. और जो भी सस्पेंडेड इम्प्योरिटी होती है वो क्या होती है, जो नीचे जमीन होती है वहां पे बैठ जाती है. फिर सेडिमेंटेशन के बाद सेकेंड स्टेप होता है लोडिंग. सेकेंड स्टेप होता है लोडिंग. वॉटर फ्रॉम सेडिमेंटेशन टैंक इज देन सेंट टू लोडिंग टैंक. उसके बाद में जो वॉटर हमारा सेडिमेंटेशन टैंक में प्रेजेंट होता है उसको लोडिंग टैंक में भेज दिया जाता है. इन द लोडिंग टैंक सम एल्यूम इज एडेड टू वॉटर. तो इस लोडिंग टैंक में क्या किया जाता है, कुछ एल्यूम वॉटर में एड किया जाता है, एल्यूम में फिट करी. The particles of dissolved alums get deposited on suspended particles of clay. तो ये जो particles होते हैं जब ये water में dissolve हो जाती है तो उसमें जो भी dissolved particles होते हैं उनको clay में convert कर देती है. This makes suspended particles heavy and then settle at the bottom of the tank. जिससे क्या होता है, जो स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं जो क्ले में कन्वर्ट हो गए हैं वो हैवी हो जाते हैं और लोडिंग टैंक में नीचे फ्लोर पे बैठ जाते हैं. एल्यूम आल्सो कॉलगेट्स द कोडिलेटरी डिसअपीयर्ड इम्प्योरिटीज बाय न्यूट्रलाइजेशन एंड चार्ज ऑन देम. और जो एल्यूम है मीन्स जो फिटकरी है वो क्या करती है, जो कोलिनेटरी डिसअपीयर्ड इम्प्योरिटीज होती हैं उनको टैंक में ही न्यूट्रलाइज कर देती हैं, मींस खत्म कर देती हैं. फिर इसके बाद में थर्ड स्टेप आता है हमारा फिल्टराइजेशन, फिल्ट्रेशन. हेलो मैम. स्टेप आता है हमारा फिल्ट्रेशन. हेलो मैम. मैम इसको नोट करनी है. यस शगुन. ओके मैम. नहीं बेटा ये आपकी बुक्स में दिया हुआ है, ठीक है ना मैम. मेरे पास देखिए. अच्छा तो कोई बात नहीं बेटा, बुक ले लीजिए, ठीक है, क्योंकि आपका भी न्यू एडमिशन हुआ है. यस मैम. ओके तो अब देखिए बेटा, हम लोग का जैसे कि आपको पता है आपके काफी लेट में एडमिशन हुआ है तो आपका कई सारे सब्जेक्ट में कोर्सेज आगे बढ़ चुके हैं. तो साइंस में जो है आपका फिजिक्स केमिस्ट्री बायो सब में 1-1 चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, ठीक है. और ये आपका सेकंड चैप्टर केमिस्ट्री में. हाँ बेटा, क्योंकि अब देखिए एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं, है ना, तो उसमें आपके फर्स्ट. हाँ बोलिए शगुन. मैम एग्जाम में सेकंड चैप्टर तक आएगा? नहीं बेटा, अभी से फर्स्ट चैप्टर आएगा आपका, ठीक है. ओके मैम. ओके मैम. तो जो सेकेंड चैप्टर है तो देखिए ये अभी स्टार्ट हुआ है हम लोग का, मीन्स अभी ऑलमोस्ट हम लोग का खत्म होने वाला है, ठीक है. तो YouTube पे आपकी सारी वीडियोस पढ़ी गई है, सारे लेक्चर्स आपके वहां पे हैं सभी सब्जेक्ट्स के, तो आप क्या करिएगा वहां पे देख लीजिएगा, ठीक है. ओके मैम. एंड वन मोर थिंग, आपकी जो क्लासेस है वो एग्जैक्ट 12:00 स्टार्ट हो जाती है, ठीक है. तो कोशिश करा करिए कि टाइम से आ जाए करिए, ओके. जैसे कि आज आपने थोड़ा सा लेट में, काफी लेट में ज्वाइन करा, तो अब नेक्स्ट टाइम से एग्जैक्टली टाइम पे आ जाए करिएगा, ठीक है. यस मैम. यस मैम. एंड आपकी जो फर्स्ट क्लास है आज साइंस की थी, इसके बाद में 12:45 पे आपकी उसकी क्लास होगी, मैथ्स की क्लास होगी, ठीक है. यस मैम. तो टाइम से 12:45 पे ज्वाइन कर लीजिएगा, ओके. यस मैम. चलिए तो फिर हम क्या करते हैं, इसको कंटिन्यू करते हैं. तो yes, अब नेक्स्ट आता है हमारा फिल्ट्रेशन. फिल्ट्रेशन क्या है, वॉट इज देन सेंट टू द फिल्ट्रेशन टैंक. जो वॉटर होता है उसको हम कहाँ पे भेजते हैं, फिल्ट्रेशन टैंक में भेजते हैं. विच हैज 3 beds, जिसमें क्या होते हैं, उसमें 3 beds प्रेजेंट होते हैं. फर्स्ट होता है आपका टॉप बैग, जिसमें क्या होता है, वो फाइन सैंड का बना होता है. द मिडिल लेयर ऑफ
coarser sand and the bottom layer of gravel. These beds that act as sieves and filters the dirt in water gets collected over sand and gravel. तो इस फिल्ट्रेशन में क्या होता है, इस फिल्ट्रेशन में थ्री बेड्स बनाए जाते हैं जो क्या करते हैं, वाटर को इनसे जब हम पास करते हैं तो ये क्या करते हैं, उसमें जो भी डर्ट्स प्रेजेंट होती हैं उनको कलेक्ट कर लेते हैं. देन लास्ट स्टेप आता है हमारा फोर्थ, क्लोरिनाइजेशन. जो लास्ट स्टेप है हमारा वो है क्लोरिनाइजेशन. इसमें क्या किया जाता है, जो हमारा फिल्टर वाटर होता है उसमें जर्मिसाइड्स को डाला जाता है जिससे क्या हो सके, मींस क्लोराइड को डाला जाता है जिससे क्या होता है, जो वाटर में जितने भी जर्म्स प्रेजेंट होते हैं उनको हम किल कर सकते. तो ये था आपका चैप्टर, तो जिसमें हम लोगों ने टाइप्स ऑफ सेपरेशन पढ़ा था कि हम किस किस मेथड से सेपरेशन कर सकते हैं हमारी मिक्सचर्स को, और जो वाटर प्योरिफिकेशन सिस्टम है वो क्या है. तो ओके शगुन, इतना आपको समझ में आ गया? यस मैम. ओके, तो अब देखिएगा बुक ले लीजिए और घर पे बैठ के इसको पूरा अच्छे से पढ़िए ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए. ठीक है? यस यस मैम. अब 12:45 पे आपकी क्लास है तो ज्वाइन कर लीजिएगा. ओके शगुन. यस मैम.